नाजरीन आदाब, VSM प्राइम में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान काव्या और आज हम आपको ले चलेंगे मंगरुल पीर के एक खास जश्न में, जो ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर बड़े ही हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया। पेश है हमारे संवाददाता जनफर हुसैन की खास रिपोर्ट। मंगरुल पीर में 16 सितंबर को दारुल उलूम कादरिया कलंदरिया की ओर से ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया। यह जुलूस, जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के उपलक्ष्य में निकाला गया, एकता और भाईचारे का संदेश लेकर निकला। जुलूस से पहले दरगाह उत्तराधिकारी हाजी शमशुद्दीन जागीरदार की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मदरसा के छात्रों ने कुरान पाक की तिलावत की और नआत शरीफ पढ़ी। इसके बाद मुफ्ती फिरोज रजा सिब्तैनी ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर रोशनी डालते हुए एकता, भाईचारे और इंसानियत के महत्व पर जोर दिया। इसके पश्चात जुलूस मोहम्मदी दरगाह प्रांगण से निकाला गया, जो कि दरगाह चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। इस मौके पर दुआ और सलाम पढ़कर माहौल को और भी आध्यात्मिक बनाया गया। इसके बाद फातिहा खानी और तबरुक वितरित किया गया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मुफ्ती फिरोज रजा खान, अलहाज शमशुद्दीन जागीरदार, शहर अध्यक्ष सलीमुद्दीन जागीरदार सहित कई प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे। सभी ने इस मुबारक मौके पर शरीक होकर अपनी आस्था और अकीदत का इजहार किया। तो नाजरीन, इस तरह मंगरुल पीर में ईद ए मिलादुन्नबी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने भी इस पावन अवसर पर एकता और भाईचारे के संदेश को आत्मसात किया होगा। आखिर में VSM प्राइम को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ऐसे ही खास कार्यक्रमों और खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद।